जो इस सर्कल में सबसे ज्यादा देर रहेगा उसको मिलेंगे ये 1,00,000 रुपए। गाइस आज हम करने वाले हैं लास्ट टू लीव द सर्कल चैलेंज। इस सर्कल में मेरे रूल्स रहेंगे, मेरे रेगुलेशंस रहेंगे। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, गुज जाओ। भाई इस सर्कल में इनको आए अभी 1 मिनट का टाइम हुआ है और ये लोग कुत्तों की तरह घूमने इसमें जो है लग गए हैं। और भाई पता है ये चैलेंज इतना आसान नहीं है, मैंने 24 घंटे सर्कल में बिताए हैं और मुझे पता भाई क्या हालत होती है, क्योंकि यहाँ पर रात को आती है ठंड और दिन में आती है गर्मी। गाइज अभी ये लोग बहुत ज्यादा मस्त है, देखो किस तरीके से चिल कर रहे हैं सर्कल में। लेकिन इनका ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। मेरे पास यहाँ पर है 6 पर्चियाँ, 6 लोगों के लिए। आ जाओ, चलो चलो चलो। हाँ जी, मजा आ रहा है सर्कल में। यहाँ पर है 6 पर्चियाँ, 6 पर्चियों में 6 पोजीशन लिखी हुई है अलग अलग, जिसके जो आएगा उसको वो बनना है। अरे कहना क्या चाहते हो, जिसको जो लेना है वो ले लो, जल्दी ले लो अपनी अपनी। ये लो पर्चियां, 6 पर्चियां अपनी अपनी ले लो। गाइस सब लोगों की जो पर्ची आ चुकी, क्या बनेगा दिखा भाई? मोहित बनेगा घोड़ा, घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा। राहुल बनेगा कुर्सी, और अंकित क्या बनेगा? खोल खोल खोल, अंकित बनेगा मेंढक, और तुमको एक्टिविटी भी करनी है। शशि को करनी है पीटी यानी कि परेड। बबलू क्या बनेगा? बबलू बनेगा मुर्गा, और करतार जो है वो करेगा नमस्ते। भाई अब जो है हमारा मजा, सर्कल का मजा तो अभी आ रहा है। सब लोग जो है कोई मुर्गा बनाए, कोई घोड़ा बनाए, कोई पक्षी बनाए, करता सबको राम राम करता घूम रहा है। लग जाएगी ना मेरे अभी बाहर कर दूंगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए है, 2 घंटे के लिए ऐसे रहना है, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। ओनली फॉर 2 आवर्स गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए है, बहुत ज्यादा नहीं है गाइस। कुर्सी सही से बना। बबलू उल्टा मुर्गा नहीं बनना भाई, मुर्गा जो है वो उल्टा गिर चुका है। बबलू बबलू सही से मुर्गा बन जा, नहीं एलिमिनेट हो जाएगा भाई। ये सोता हुआ घोड़ा है, ये सोती हुई कुर्सी है, ये सोती हुई परेड है, मुर्गा जो है वो जगा हुआ है, ये मेंढक भी सो गया गाइस। कोई नहीं, इनको ऐसे रहना। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मजाक की बात अलग है, अगर कोई भी रुका ना तो तुरंत से तुम लोग बाहर हो, चैलेंज से ध्यान रखना। ये भाई परेड सही से परेड। भाई अब आ रहा है फुल मजा, फुल वाला मस्त वाला मजा। लाइक कर देना सब लोग इस मजे के लिए। भाई मेंढक घोड़े पे चढ़ गया, खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। मेंढक घोड़े पे जिंदगी में पहली बार देखा गाइस, ये नजारा बेहद अनूठा अजूबा, जो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी चैनल पर मिलेगा गाइस। ये देखो भाई 20 मिनट तमाशा करने के बाद में तुम्हारा टाइम होता है अप। भाई इन सब की हालत हो चुकी है खराब, कैसे पड़ गए देखो थोड़ी देर में सारे लोग। यही तो मैं चाहता था गाइस, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत है। गाइस आया तब तो ठीक लग रहा था, उसके बाद ये चैलेंज करवा दिया मुर्गा बनना है, उसके बाद हालत खराब हो रही है। अब तो थोड़ा ठीक फील हो रहा है, थोड़ी देर रिलीफ मिल गया। अगर मुझे सोने से मना ना किया जाए तो मैं पूरे दिन रह सकता हूँ। गाइस अभी तक जो भी चैलेंज हुए हैं उसमें तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे पता नहीं क्या क्या होगा। गाइस ये चैलेंज मैं आराम से जीत जाऊंगा अगर ये लोग चाहे तो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज आते हैं बाहर हो जाए तो। भाई साहब मुझे तो मजा आ रहा है। भाई सारे लोग आराम फरमा रहे हैं, सोच रहा हूँ उनकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान कर दूं। तुम अभी अकेले हो, तुमको साथ साथ कर देते हैं थोड़ा सा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। चलो दोनों लंबू दोनों पतलू, दोनों मोटू दोनों पतलू खड़े हो जाओ भाई, पास आओ दोनों। गाइज यहाँ पर इन दो लोगों को जोड़ रहे हैं साथ में। तुम्हारे हाथ चाहो तो अंदर रख लो, हाथ चाहो तो बाहर रख लो डक टेप से, जो कि बहुत मजबूत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे बिल्कुल खींच के बांधेंगे, चलो राहुल को उल्टा कर दो ऊपर पैर। ये भगवान क्या जुलूम है भाई, ये डक टेप है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है, एक बार में ये नहीं छूटती है, मैं तो दो दो बार जो है इसको रैप कर रहा हूँ इनके ऊपर। भाई सारे लोगों को मैंने बांध दिया है और अब ये जो है एक हो गए हम, मेरे को लगता है तुम आराम से रह पाओगे इसके अंदर। अब यहाँ पर 3 लोगों को एलिमिनेट किया जा सकता है अगर बाकी 3 चाहे तो, और अब सारे एक दूसरे को एलिमिनेट करने में लग गए हैं, धक्का देके बाहर करने में, और सारे बैठ गए फाइनली। गाइज वैसे बोलते हैं कर दो, एक से भले 2 होते हैं, लेकिन भाई जब 2 लोग होते हैं ना तो देखो ये हालत होती है।
साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चीटिंग 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 करता है तू। भाई साहब, और इसी के साथ मोहित जो है वो चैलेंज से बाहर हो गया गाइस। मेरे साथ अन्याय हुआ है। दो के बाद इंसान कभी भरोसा नहीं करूंगा जिंदगी में कभी भी। कुत्ता है तो कुत्ता। इनको एक एलिमिनेशन होने की खुशी में जो है चाय पिला देते हैं गाइस थोड़ी सी। मालिक कितना खर्चा हो रहा है, पानी की बोतल हो गया। मोहित के एलिमिनेट होने के बाद में जो सर्कल है वो अब छोटा हो चुका है। और अच्छी बात यह है गाइस कि धूप आ चुकी है। भाई बहुत भयंकर जो है जलन होती है क्योंकि अभी है गर्मियों का मौसम और उसमें पड़ रही है फुल तेज धूप। गाइस अब हम लोग करने वाले हिंट द विकेट चैलेंज, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे विकेट है। मेरे पीछे स्टंप्स है गाइस, और हर एक स्टंप के पीछे एक ऐसी पर्ची रखी है। उठा लो अपनी अपनी बॉल उठा लो। अगर तुमने एक बार में हिट कर दिया तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अंकित मारेगा, फिर राहुल मारेगा, फिर बबलू मारेगा, लास्ट में शशि मार करतार। सब खड़े खड़े। ओ भाई एक तो मिस हो गया करतार का। ओ भाई अंकित ने मार दिया गाइस पहला थ्रो। गाइस अंकित के विकेट के पीछे मैट्रेस यानी कि एक गद्दा मिलेगा अंकित को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब जो है इसका चैलेंज है थोड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं चाहूँ तो। यार मुझे इतना स्विमिंग पूल चाहिए, स्विमिंग पूल। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ। गाइस यहाँ पर अंकित के लिए मैट्रेस आ चुकी है। गाइस अब मारेगा राहुल अगला थ्रो। चलो ये बाहर हो गया। ओ बच गया। बबलू तेरे को क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आंख। चिड़िया की कहाँ की चिड़िया, किसकी आंख? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। भाई बबलू हो चुका है बाहर। और बाहर इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बाहर होने का जो सबूत है ना वो इसके पैरों में लगा हुआ है। गाइस दोबारा हम लोग कामयाब हो चुके हैं हमारे ट्रिक के अंदर। चलो नेक्स्ट कौन? गद्दे का यूज क्या कर रहे हैं धूप से बचने के लिए? ये बाबूराव का स्टाइल है। ओ भाई करतार ने गिरा दिया। भाई जा करतार ने गिरा दिया। और करतार के पास में निकला है चिप्स का पैकेट। गाइस ये है करतार का चिप्स का पैकेट। भाई चार लोग बचे हैं, कंपटीशन कम हो गया थोड़ा। और राहुल ने मार दिया, गिरा तो दिया है, देखते क्या आया है। गाइस राहुल के पास में आया है 20 पुशअप्स करने हैं इसको। 20 पुशअप्स कर भाई। गाइस 20 पुशअप क्या है तेरे लिए? तू तो जवान आदमी है, क्या दिक्कत? इसके हाथ पैर कैसे दूध रहे जैसे फोन आ रहा है उसके शरीर में। 19 बंद करो हाथ जोड़ के मैं बाहर हो जाएगा ये निवाली दो। ओ इसके सर की नजर तंग दी भाई, दिख रही है मेरे को पीछे से। ओ भाई भाई मार दी मार दी मार दी। भाई लास्ट कैंडिडेट है जिसका थ्रो अब तक नहीं लगा है या जो गेम के अंदर है, और एक ही मौका मिलेगा। और गाइस यहां पर आई है चेयर यानी कि कुर्सी मिल जाएगी शशि को। अब भाई यहाँ पर शशि को चेयर भी मिल चुकी है। बीच को सम्मानने के बाद मेरी हालत हो चुकी खराब, ये देखो पसीने। और भाई अगर ऐसे ही धूप रही तो ये चैलेंज कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा भाई, बहुत मुश्किल रहेगा। भाई इन लोगों को सर्कल के अंदर शाम हो चुकी है फिलहाल, इनको 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। और अब जो है इनकी जो सहूलियत की चीजें हैं चेयर लेके भी नीचे बैठे हैं, क्या ही फायदा, ये वापस ले लेते हैं। भाई हट अंकित, गद्दा ले रहे हैं तेरा। अटो अटो अटो, सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो इनसे वापस ली जा रही है। गाइस अब जो सर्कल है वो और ज्यादा छोटा हो चुका है यहाँ पर। अब ये सर्कल जो है ये बचा है 10 फीट डायमीटर का, पहले 20 फीट डायमीटर का था। और अब अगला टास्क तुम लोगों के लिए एलिमिनेशन राउंड।
यहाँ पर है 2-2 लीटर पानी की बोतलें, तुमको पीनी है 10 मिनट के अंदर, जो नहीं पी पाएगा वो इस चैलेंज से बाहर है। तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब, और अब तुम एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते, अगर तुमने एक दूसरे को टच किया छुआ तो भी तुम चैलेंज से बाहर हो। भाई 2 लीटर पानी का मतलब है मोटे मोटे तौर पर लगभग 7 गिलास पानी के आसपास, बड़े वाले आधी आधी बोतलें खत्म कर चुके हैं। ये देखो भाई 1 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं, और 1 मिनट 45 सेकंड में राहुल आधे से ज्यादा खत्म कर चुका है, करतार भी आधे ज्यादा कर चुका है, शशि और अंकित का भी जो है थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ है। अगर तुम में से कोई चाहे तो इस चैलेंज को छोड़ सकता है 10,000 रुपए के लिए अभी की अभी, बताओ किसी को छोड़ना है? ऑफर खत्म होने वाला है इन 3, 2, मेरे को ध्यान ही नहीं किसी का मेरे ऊपर। उल्टी की बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। ओ भाई करतार ने कर दिया खत्म। भाई राहुल की जो बोतल है वो भी खत्म हो चुकी है। भाई ये लोग जो है दोनों के दोनों बचे हैं, इनके पास 1-1 लीटर पानी बचा है और मिनट बची है सिर्फ 3.5। डमरू 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 साले। इस वाले चैलेंज के अंदर एक ही बंदा एलिमिनेट होगा जिसका पानी सबसे कम बचेगा, मतलब सबसे ज्यादा बचेगा। भाई 20 सेकंड बची है, अब जो है 15 ही बची होंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस टाइम खत्म। दिखाओ 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 गाइस, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओ भाई साहब ये है शशिकांत का पानी जो कि ज्यादा खत्म है, और अंकित का जो है ज्यादा बचा है, लगभग 0.5 लीटर या फिर 400 ml पानी बचा है। अंकित अंकित तेरी बोतल लेके बाहर जा, चल जा। अंकित आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई ज्यादा पानी पीने का नतीजा देखो भाई ये क्या बन गया ये देखो। लेकिन इसका कहाँ गया, इसका गया कहाँ पानी। अब हमारे पास में 1 लाख रुपए जीतने के लिए 3 लोग बचे हैं जिनके पेट है फुल, और अब इनको खिलाएंगे खाना। ये भगवान क्या जुलुम है। चलो अब खाना खिलाएंगे इनको गाइस। गाइस अंकित ने काफी मेहनत करी थी, क्या भी राधा इतनी मेहनत करी है, इसीलिए इसको देते हैं 10,000 रुपए चैलेंज से बाहर होने की खुशी में। भाई अंकित को 10,000 मिल चुके हैं, 3 लोग बचे हैं, लेकिन अब करेंगे सर्कल को और छोटा और ज्यादा मजा आएगा गाइस। भाई सर्कल के अंदर रहना तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, मुझे मत कहना बाद में। भाई सर्कल हो चुका है 8 फीट के डायमीटर का फिलहाल। गाइस पहले जो है सर्कल में फ्रीडम था, कहीं भी जा सकते थे, लंबा चौड़ा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा भाई हाथ पैरों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं लाइन पे टच ना हो जाए। अब इनकी नई प्रॉब्लम्स आ गई सुसू की वगैरह वगैरह की। भाई चलो गाइस इन्होंने इतना पानी पिया है तो इनको एक चांस देता हूँ। ये चप्पल किसकी है, जिसकी भी है, और इस चप्पल को पकड़ तुम सुसु जा सकते हो, लेकिन ये चप्पल हाथ से नहीं छूटनी चाहिए सुसु करते टाइम भी। वीडियो बनाना, खुद का वीडियो बना के रखना। गाइस राहुल को भी जाना है, राहुल के लिए दूसरी चप्पल आ गई सर्कल के अंदर, ले जा भाई। ये चप्पल जो है इसको बेटन की तरह यूज कर रहे हैं, और ये चप्पल जब तक ये वहां लेके जाएंगे उसके बाद में ये जो है सुसु कर सकते हैं। किधर जाना है, तेरी चप्पल हाथ में पकड़ो, ले जा, वीडियो बना लेना इसकी वहाँ पे। गाइस फिलहाल जो सर्कल है वो खाली हो चुका है, क्योंकि भाई इन्होंने इतना पानी पी लिया था, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे गंदगी फैला, इसलिए मैंने भेज दिया इनको चप्पलें हाथ में दे दे के। अगर चप्पल हाथ में, इसका मतलब वो सर्कल से कनेक्टेड है, मान लेंगे एक बार के लिए। गाइस हाथ में चप्पल रखनी है, कैमरा भी चलाऊं चप्पल भी रखूं, गाइस ऐसे चप्पल को डाल लेता हूं। अब ये लोग सुसु करने गए हैं, पता नहीं कितना देर तक करेंगे गाइस। हमने मंगवा लिया पिज्जा, इनका पेट भरा है, अब इनको खाने के लिए दे देंगे। लेकिन उससे पहले गाइस हम खुद को जो है थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। भाई अब अंधेरा होने वाला है, बस थोड़ी बहुत देर में मैं और राहुल तो आ गए वापस। शशि अभी अंदर ही घुसा है, पता नहीं इसको सुसु के साथ साथ 2 नंबर भी लग गए लगता है। एक नंबर की जगह 2। भाई भूख भूख करते करते तुमको भी लग गई होगी, हमने तो खा लिया। भाई हो चुकी है एकदम घनघोर वाली रात, इन लोगों को हो चुके हैं 9 घंटे इस सर्कल में पड़े पड़े, 9 से कुछ ऊपर ही हो गए हैं, और ये लोग बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब इनको थोड़े से गाने सुना देते हैं गाइस। अरे लोगों निकलो बाहर, जरा देखो कौन भौंक रहा है, ये बदतमीज, ये लड़की है है। मेरे एक दांत में कीड़ा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, मैंने कराई RCP, डर लगता है उस डॉक्टर से, वो मेरे दांत में सुई घुसाता है, सुई घुसा के
लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अभी पाकिस्तान में जो है मतदान चल रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपना समय निकाल कर पाकिस्तान के मंत्री के लिए वोट जरूर से करें। अरे दिल ने ये कहा है दिल से धुन 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 धुन। हाँ जी कौन? हाँ जी कौन? आप कौन? आप कौन? आप हमारे कौन हैं जी? राधा बोल रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। भाई रात का एक बज चुका है और ये लोग निकल नहीं रहे हैं, बाहर हम हो गए परेशानी के चक्कर में। हम इधर जा रहे उधर जा रहे, इनका ध्यान अलग से रखो। मैंने खूब कोशिश कर ली लेकिन अभी बाहर नहीं आ रहे, और जो जिनको निकलना था वो निकल लिए शाम तक ही, और इन लोगों ने उससे डबल टाइम अंदर सर्वाइव कर लिया, ये लोग नहीं निकल रहे भाई। चलो तुम लोगों के लिए गोल्डन चांस है, यहाँ पर मेरे पास में 26,000 रुपए, 25 में एक और ऐड कर दिया, इसके बाद दोबारा ऑफर नहीं दूंगा। किसी को बाहर आना है 26,000 रुपए लेके तो आ सकता है भाई। भाई 26,000 लास्ट कॉल है, इन 3, 2, 1। ये फंस गया सी है। गाइस करता रहो क्या बाहर, गाइस 26,000 रुपए लेके अब जो है गाइस इस चैलेंज के अंदर बचे हैं दो लोग। भाई मुझे 26,000 लेके कोई गम नहीं है, क्योंकि अगर मैं कल गेम हारता भी ना तो मुझे ये भी नहीं मिलते। गाइस चैलेंज में लोग कम होते जा रहे हैं और सर्किल बढ़ते जा रहे हैं, अभी सर्किल को और छोटा करेंगे और चैलेंज और कर दिया। हटो अरे तो बाहर करो क्या। ले भाई बबलू, भाई सर्कल को अब और छोटा किया जा रहा है। भाई अब जो सर्कल है वो हो चुका है और भी छोटा, एकदम छोटा, अब ये तुम्हारे लिए अभी और छोटा होगा। इससे छोटा होने की कोई गुंजाइश नहीं। Next morning. तो भाई सुबह होने वाली है और मेरे आँख में अब हो रहा है दर्द, अब आ रही नींद बहुत जोर से। एक पूरी रात भाई हम इस सर्किल के अंदर बैठ के निकाल चुके हैं, नींद बिल्कुल भी नहीं आई। ये देखो गाइस सनराइज होने वाला है और कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। अब मेरा मन कर रहा है बस मैं बाहर निकल के सो जाऊँ। गाइस एक भाई दिख रहे हैं हमें, उनसे चाय मंगवाने की कोशिश करता हूँ। चाय मिल जाएगी? अच्छा हुआ इसके पास पैसे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। एक आपकी, दो हमारी। गाइस चाय आने वाली है, जैसे धूप गिरी ना हल्का हल्का सरदर्द होने लग गया, तो चाय आ चुकी है भाई। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब तक ये लोग इस गोले के अंदर बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं। गाइस मुझे लग रहा था कि ये लोग रात शायद नहीं निकाल पाएंगे या सुबह तो कम से कम जो है निकल ही जाएंगे, लेकिन भाई अब जो है दोपहर होने वाली है और ये लोग भाई गोले के अंदर अभी भी हैं। अब इनको बाहर कैसे निकाले गाइस, हमारा भी साथ में चैलेंज वाला लगी, मैं तो सो लिया। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर है रस्सी कूदने की, जो ज्यादा रस्सी कूदेगा एक मिनट के अंदर उसको मिल जाएगा ये छाता। स्टार्ट इन 3, 2, 1 करो। 1, 2 ओ भाई 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 फंस गए। गिन लो भाई, उलझ गए एक दूसरे की, उलझ गई। अभी तक राहुल ने एक दो ज्यादा करी है अब तक। एक मिनट हो गई पूरी। गाइस राहुल ने 20 बार रस्सी कूदी और शशि ने कूदी है 36 बार, इसलिए शशि को जो है छाता मिलता है यहाँ पे। कभी कभी थोड़ा थोड़ा तो जो है गर्मी है बहुत ज्यादा, मैं जा रहा हूँ। टच होते ही बाहर है क्या? नहीं नहीं टच की बात, ऐसे तो चिपका रहेगा मेरे लिए, तो ले छतरी से। अब ये परेशान हो जाएगा राहुल और ये बाहर निकलेगा, मेरे पास छतरी है। खाना 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 ला दो। भाई बच्चों पर तरस खा करके इनको थोड़ा सा खाना तो दे देते हैं। दो कचौरी है, कितनी है? जितनी है बस। नहीं खानी तो वापस दे सकते हो, और ये खाना खाते ही छाता वापस लेने का टाइम भी आने वाला है। गाइस इनको कोई मतलब नहीं है, चैलेंज में चल रहा है क्या है, अपना अंदर जाके आराम से खाना। गाइस यहाँ पर एक झोल हुआ है, इधर आओ। राहुल का जो पैर है वो उधर बाहर था और वो पक्का कैमरा में, ये तो अभी भी बाहर है। अरे ये बाहर है, ओए बाहर हो गया, ये तो अभी भी बाहर ही पड़ा है। इसका पैर उधर था, मैंने देखा।
ये चैलेंज गाइस फाइनली कंप्लीट हो चुका है। चैलेंज जीत लिया जोशिकार ने और राहुल होता है एलिमिनेट चैलेंज से बाहर, क्योंकि हो चुका गोले से बाहर। भाई एक बार इनका चेहरा देखो, ये देखो भाई पसीनो पसीनो रखे, ये देखो पसीनो पसीनो रखे भाई, ये मेहनत के पैसे हैं, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आएगा, शशि को मिलते 1,00,000 रुपए चैलेंज के लिए। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन गाइस जरूर दबा देना। भाई मुश्किल था, इतना इजी तो नहीं था चैलेंज, कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि राहुल छोड़ेगा, पूरी रात सोया नहीं तभी नींद आ गई मेरे को। तो भाई ये तो चैलेंज है, चैलेंज में चलता रहता है, बहुत सारे चैलेंज तू भी जीतता है, लेकिन आज तेरा दिन नहीं था। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा आएगा, इसलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। गाइस काफी दिनों के बाद कोई चैलेंज जीता है, भाई बहुत टाइम हो गया मेरे को चैलेंज जीतते हुए, और इसीलिए इस चैलेंज को जीतना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत टाइम से चैलेंज नहीं जीता, और ये पैसा जो है वो बहुत सही जगह लगने वाला है। अब जो बारिश आएगी उसमें बहुत सारे पेड़ लगाएंगे इन पैसे से।